इस दुनिया में कोई भी बेस्ट एक्सरसाइज नहीं होती एक्सरसाइजेस सिर्फ टूल्स होते हैं जो हम टारगेट मसल ग्रुप को ग्रो करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं फनी स्टोरी पर ये इकलौती रोइंग एक्सरसाइज है जो मुझे अपनी बैक में फील होती है पांच सालों में मैंने अलग अलग रोज के साथ एक्सपेरिमेंट किया है मैंने सिंगल आर्म डम्बे रोज लगाया है केबल रोज लगाया है बाबे रोज लगाया है यक मैं बाबे रोज को कभी नहीं करने वाला मुझे सिंपली वो एक्सरसाइज पसंद नहीं है ये जो भी अलग अलग रोज थे उन्हें परफॉर्म करते वक्त हमेशा कोई ना कोई इंटरफ्योरिंग मसल ग्रुप टेक ओवर करता था जैसे बाइसेप्स फोर आर्म्स या मोमेंटम ये सब कुछ बदल गया जब मैंने मशीन रो को ठीक से और सीरियसली परफॉर्म किया इस मशीन का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये मशीन एक चेस्ट सपोर्टेड मशीन है तो बाकी के हॉरिजॉन्टल पुल जैसे दिस रो ड बीट माई बॉडी बाकी के जो भी हॉरिजॉन्टल पुल्स है उनमें मुझे एक कॉमन प्रॉब्लम दिखता है और वो है कि ये सारे रोज अनसपोर्टेड होने की वजह से लोअर बैक के ऊपर बहुत ही ज्यादा अननेसेसरी स्ट्रेन आता है नॉट दैट दर्ज एनीथिंग रॉन्ग विद दैट पर ये थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है जब हम रोज परफॉर्म करते हैं तो हम कौन से मसल ग्रुप को टारगेट करने की कोशिश करते हैं हमारे लैट्स और हमारी अपर बैग मशीन रो मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा टूल है जो मुझे इन सारे टारगेट मसल ग्रुप्स को स्टेम करने में मदद करता है विदाउट एनी एडिशनल मूवमेंट परफॉर्म करते वक्त मुझे जो स्क्वीज और जो कॉन्ट्रेक्शन मिलता है इट इज हर एक्सरसाइज की तरह मैं वेट को कंट्रोल में लोअर करने की कोशिश करता हूँ और अच्छे से अपने लैट्स को स्ट्रेच होते हुए फील करता हूँ जब मेरा एल्बो पूरी तरीके से स्ट्रेट होता है और जब मुझे अपने लैट्स में फुल स्ट्रेच महसूस होता है

मैंने नोटिस किया है कि मैं नैचुरली अपने स्कैपुला को रिट्रैक्ट और स्ट्रेच करते वक्त प्रोट्रैक्ट करने लगा सो गिव इट अ शॉट। अब मेरे जिम में जो हैमर की मशीन रो है उसमें अलग अलग टाइप के ग्रिप्स और हैंडल्स हैं। अब शुरू शुरू में अगर आप बिगिनर हो तो ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग और इंटरमीडिएटिंग लग सकता है मे बी आप ओवर थिंक करने लगोगे और आप ओवर एनालाइज करके सोचोगे कि कौन सा हाइपरट्रोफी और मसल गेन के लिए बेहतर है स्टॉप जस्ट फाइंड अ ग्रिप दैट फील्स नेचुरल एक ऐसी ग्रिप ढूंढो जो नेचुरल है कंफर्टेबल है और जिसे करने में आपको मजा आता है डोंट ओवर थिंक मैं इस चैनल के व्यूअर्स को हमेशा एक बात बताता हूँ ओवर सिंप्लीफाई डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट याद रखना की एट द एंड ऑफ द डे ये एक हॉरेजोटल पुल है वॉट ग्रिप यू डू डजेंट मैटर टू मच बिल्कुल लैट पुल डाउन मशीन की तरह ये भी एक होने की से, में ज्यादा मदद करती है जितना प्रोवाइड करती है जस्ट मेक श्योर कि आप टेक्निक ओवर टाइम प्रैक्टिस करते जाओगे इस मूवमेंट के मैं तीन सेट्स लगाता हूँ और बिल्कुल लैट पुल डाउन की तरह छे से दस रेप्स के लिए यह एक्सरसाइज परफॉर्म करता हूँ आज मैंने एक सौ दस के जी के साथ नौ नौ आठ ऐसे तीन सेट्स परफॉर्म किए तो बेसिक प्रोग्रेशन आई विल स्टिक टू दैट टेल आई गेट टेन टेन टेन